बॉलीवुड इंडस्ट्री के मोस्ट टैलेंटेड और वर्सेटाइल एक्टर्स की जब भी बात आती है तो उसमें अभिनेता नसीरुद्दीन शाह का नाम सबसे ऊपर आता है, जो कि बॉलीवुड में अपने हर एक रोल से दर्शकों के दिलों पर अलग ही छाप छोड़ चुके हैं, जिसकी बदौलत ही इन्होंने अपने करियर में खूब सफलता और दौलत शोहरत हासिल की। लेकिन दोस्तों, आप अभिनेता नसीरुद्दीन शाह की दौलत शोहरत के बारे में तो जानते होंगे, पर शायद ही आपको इनकी पहली फिल्म मिलने की कहानी के बारे में मालूम होगा कि कैसे इन्होंने पहली फिल्म में अपनी जगह बनाई और दर्शकों का दिल जीता। इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। पर उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बॉलीवुड इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता नसीरुद्दीन शाह का जन्म 20 जुलाई 1950 को बाराबंकी में हुआ था, जिसकी वजह से इनकी पढ़ाई लिखाई भी यहीं से कम्प्लीट हुई, जहाँ पढ़ाई लिखाई करने के बाद इन्होंने निशांत नाम की फिल्म के साथ अपना डेब्यू किया, जिसमें इनकी एक्टिंग को खूब पसंद किया गया और इसी वजह से आगे चलकर इन्हें मासूम और इकबाल जैसी 60 से भी ज्यादा फिल्मों में काम करने का मौका मिला, जिससे ये आज 350 करोड़ से भी ज्यादा संपत्ति के मालिक है, जिनके इन्हीं पैसों से इन्होंने मुंबई में 12 करोड़ का शानदार घर खरीदा है। बता दें, इनका ये घर यूरोपियन, साउथ इंडियन और फ्रेंच थीम पर बेस्ड है, जिसकी वजह से इनके घर में आपको हर एक कोने में कुछ अलग देखने को मिलेगा। घर के साथ ही नसीरुद्दीन शाह अपनी पर्सनालिटी और लाइफस्टाइल पर भी जमकर पैसा खर्च करते हैं, जिसकी वजह से इनकी नॉर्मल टी शर्ट पैंट और कोट पैंट ही 30 से 40 हजार के होते हैं, तो वही इनके साथ कैरी किए जाने वाले इनके शूज भी प्राडा और कोच जैसे ब्रांड के होते हैं, जिनकी वजह से उनकी कीमत भी 60 से 70 हजार होती है। वही एक नजर डाले इनके कार कलेक्शन पर तो इनके पास ऑडी, मर्सिडीज और रेंज रोवर जैसी कई लग्जरियस गाड़ियां हैं, जिसमें हर एक कार की कीमत 50 लाख से भी ज्यादा है। वही बात की जाए इनकी पहली फिल्म मिलने की कहानी के बारे में, तो बता दें, भले ही नसीरुद्दीन शाह किसी फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, पर इन्हें बचपन से ही एक्टिंग का चस्का लग गया था, जिसकी वजह से इन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान महज 14 साल की उम्र से ही थिएटर ज्वाइन कर लिया था और इसी वजह से धीरे धीरे इनकी एक्टिंग स्किल जहां काफी ज्यादा बेहतर हो गई, तो वहीं दूसरी तरफ फिल्म इंडस्ट्री के कई फिल्म मेकर से भी इनके कॉन्टैक्ट होते चले गए और यही वजह है कि इन्हें थिएटर में ही शानदार एक्टिंग करते देख डायरेक्टर श्याम बेंगल ने निशांत फिल्म का ऑफर दिया, जिसमें विश्वम के किरदार में इन्होंने काफी जबरदस्त एक्टिंग की और यही वजह है कि इनकी इस फिल्म को जहां ढेरों अवार्ड से नवाजा गया, तो वहीं नसीरुद्दीन शाह की एक्टिंग ने भी हर किसी के बीच खूब वाहवाही बटोरी। तो दोस्तों, आप अभिनेता नसीरुद्दीन शाह की दौलत शोहरत और इनकी पहली फिल्म मिलने की कहानी के बारे में जानकर क्या कहना चाहेंगे, आप हमें कमेंट में कमेंट करके बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही और खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।